हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहें तो किस डीमैट अकाउंट से करें, किस कंपनी में हमें अपना अकाउंट बनाना चाहिए, किस में ब्रोकरेज चार्ज कम लगते हैं, किस में AMC चार्ज कम लगते हैं और किस में हमें अच्छी स्पीड मिलती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, बस आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, अदरवाइज कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे छूट सकती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जिन कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम एंजल वन है, अपस्टॉक है, जीरोदा है, ग्रो एप्लीकेशन है, धन एप्लीकेशन है, पेटीएम मनी है। दोस्तों, जब ये मेरा वीडियो एडिट हो रहा है उस टाइम पर मैंने एक कमी देखी कि इस वीडियो में कहीं कहीं अंधेरा हो गया है। दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि ये जो कैमरा है तो ये एक ऑटो फोकस पर ही रहा था, मैंने इसको मैनुअल मोड पर सेट नहीं कर पाया था। दोस्तों, ये वो कंपनियाँ हैं जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंसर द्वारा हमें रिकमेंड करी जाती हैं या फिर देखा जाए तो इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। लेकिन फिर इसके बाद कुछ लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं एम स्टॉक में और कोटक सिक्योरिटी में, तो इसमें लोग सर्विस को देखते हुए नहीं करते हैं। इन दोनों कंपनियों में लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें चार्जेस बहुत कम लग रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये दो कंपनियों के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार आपको इनके बारे में बता देते हैं कि अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए तो इनमें आपको पैसा तो लगेगा लेकिन बदले में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इनमें से भी हम दोस्तों एक बेस्ट डीमैट अकाउंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट ओपनिंग का देख लेते हैं कि अकाउंट ओपन सबसे पहले करते हैं। तो दोस्तों, एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग का कितना चार्ज लगता है, तो जीरो लगता है। इसके बाद हम बात करें अपस्टॉक की, तो दोस्तों अपस्टॉक में भी जीरो लगता है। इसके बाद जीरोदा की अगर बात की जाए तो जीरोदा में अकाउंट ओपनिंग का ₹200 लगता है। और अब हम बात करें ग्रो एप्लीकेशन की, तो ग्रो एप्लीकेशन में भी डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाता है। इसके बाद आता है धन एप्लीकेशन, धन एप्लीकेशन में भी फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। पेटीएम मनी में भी डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अपस्टॉक है तो इसमें कभी कभी अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लगने लगता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी चार्ज नहीं है और एक साल से इसमें नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसमें अपडेट होता है तो कभी कभी चार्ज लेने लगते हैं। तो ये टाइम पर डिपेंड करता है, जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पर आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो अभी देखो, यहाँ पर अगर हम देखें कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज किस में लग रहा है तो जीरोदा अकाउंट को छोड़कर किसी में नहीं लग रहा, लेकिन अकाउंट ओपनिंग चार्ज पर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जीरोदा में लग भी रहा है ना ₹200, तो ये सिर्फ एक बार लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो दोस्तों हमें छोटे छोटे चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं AMC चार्ज की, तो एंजल वन में जो AMC चार्ज है तो वो लगता है हमारा ₹23.50 और ये पर मंथ लगता है, ठीक है। इसके बाद अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक में AMC चार्ज जीरो है। जीरोदा की बात करें तो दोस्तों जीरोदा में अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप होल्डिंग्स कितनी रखते हैं या फिर आप डीमैट अकाउंट बना के ही छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में आपसे कोई भी AMC चार्ज नहीं लगता है। तो इसके लिए भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। अगर हम ग्रो एप्लीकेशन की बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन में भी जीरो लगता है, और हम धन एप्लीकेशन की बात करें तो धन एप्लीकेशन में भी जीरो है। पेटीएम मनी में ₹30 पर मंथ है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैं आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इन कंपनियों में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले हैं, इन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। इन दो कंपनियों के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि हम अगर एंजल वन में इंट्राडे ट्रेडिंग करें, क्योंकि एक बिगिनर होता है जब वो अकाउंट ओपन कर लेता है ना, और अगर आप भी बिगिनर हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप थोड़ा सा बाद में जाएं, पहले आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, उससे कम रिस्की ये है। वैसे रिस्की तो दोनों ही हैं। तो पहले मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एंजल वन में जो आपसे चार्ज लिया जाएगा ना, वो होगा ₹20 पर ऑर्डर या फिर 0.025%। मतलब कि दोस्तों, इसका क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी शेयर खरीदे इंट्राडे के अंदर, आपने मान लीजिए कि ₹7,000 का इन्वेस्ट किया, अब कितना लगेगा, या तो ₹20 लगेगा
इसमें से दोस्तों जो कम होगा ना वो लगेगा। तो मान लीजिए कि हम परसेंटेज से निकालते हैं 0.25% का, ये अगर हम निशान हटाएंगे ना तो नीचे आ जाएगा 100। तो 100 से अब देखो ए वाला जीरो भी हटाएंगे ना तो नीचे दो जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले जीरो से ए वाला जीरो कट गया, इससे ए कट गया, इससे ए कट गया। अब दोस्तों क्या होगा कि हम इसको दो से काट देंगे, सॉरी पाँच से काट देंगे, 25 और 5 दोने 10। अब यहाँ पर 7 बचा तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 7 पंजे 35 और ये 2, यानी कि तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 17.5 रुपये अगर आप 7,000 रुपये इन ट्रेड करने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रोकरेज चार्ज के अलावा भी आपसे काफ़ी सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन चार्ज, टैक्स लगती है, और इसके बाद डीपी चार्ज वगैरह हैं। तो दोस्तों ये सारे चार्जेस तो आपसे लगेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप फ्री, जो ब्रोकरेज फ्री दे रहा है ना उस कंपनी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो आपका पैसा सिर्फ ब्रोकरेज का बचेगा, बाकी का पैसा तो आपसे लगेगा, क्योंकि जो सेवी चार्ज करता है, ट्रांजेक्शन का लगता है या फिर टैक्स लगती है, तो वो तो लगेंगे और वो सब डीमैट अकाउंट में लगेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने 7,000 रुपये का किया ना, तो यहाँ पर आपसे 17 रुपये लिया जाएगा ब्रोकरेज का। वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि ये 17 रुपये परसेंटेज से निकालती है ना, तो ये 23 रुपये निकलता है या फिर 50 रुपये निकलता है, तो फिर आपसे 50 रुपये नहीं लिए जाएंगे, फिर आपसे सिर्फ 20 रुपये लिए जाएंगे। तो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, अगर परसेंटेज के हिसाब से 20 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपसे 20 रुपये लिए जाएंगे, फिर वो ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। अगर इसको लेके कोई डाउट है ना तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताना। दोस्तों अगर आप अपना कोई भी सजेशन देना चाहें इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही आप क्रिएटर नहीं हैं, आप कमेंट करके भी, कमेंट भी दोस्तों काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं, तो वो आपके कमेंट से नॉलेज ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम एंजल वन एप्लीकेशन के द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सेम हमसे यही ब्रोकरेज चार्ज लिए जाएंगे, जो कि 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.025% रहेगा। परसेंटेज निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, क्योंकि बाकी की ब्रोकरेज चार्ज में भी परसेंटेज आएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम आप स्टॉक की बात करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है। तो आप स्टॉक में आपसे या तो 20 रुपये लगेंगे या फिर 0.05% लगेगा। सेम यह आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लगेगा, या तो आपसे 20 रुपये लगेगा या फिर 0.05% लगेगा। अब इसके बाद दोस्तों जिरोदा की बात आती है, तो जिरोदा में भी आपके लगभग यही है, 20 रुपये फ्लैट लगेगा या फिर 0.03%। ये 5 की जगह पे 3 हो गया, यहाँ पर ये 25 था, ये 5 हुआ और ये 3 हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपका सेम यही रहेगा, 3%, ठीक है, ये रहेगा आपका जीरोदा एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद दोस्तों गुरु एप्लीकेशन की बात करें, तो गुरु एप्लीकेशन का रहेगा या तो फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.005%, ठीक है। और दोस्तों अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जाए ना, तो यहाँ पर इन्होंने अपना परसेंटेज वाला नहीं रखा है, इन्होंने फ्लैट रखा है कि हम तो भाई 20 रुपये लेंगे अगर आप ऑप्शन में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्वांटिटी आपकी जितनी भी हो मैटर नहीं करता, आप एक ऑर्डर का वो आपसे 20 रुपये लेंगे। इसके बाद दोस्तों धन एप्लीकेशन की बात करें, तो धन एप्लीकेशन भी आपसे लेते हैं 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.03%। और यहाँ पर ये 20 रुपये फ्लैट लेते हैं, 20 रुपये ले रहे हैं कि कुछ कम ले रहे हैं धन वाले दोस्तों, 20 रुपये फ्लैट ले रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम पेटीएम मनी की बात करते हैं, तो पेटीएम मनी या तो 15 रुपये फ्लैट लेगा या फिर लेगा 0.005%। और इसके बाद इनका कहना ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम आपसे फ्लैट लेंगे 15 रुपये, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इन 5 में से बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखो अगर हम ऐप एंजल वन को सिलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों एंजल वन में ब्रोकरेज चार्ज इतने लग रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी में सेम ही लग रहे हैं, इंट्राडे में आप देखोगे एक बार नज़र अपने दौड़ाओगे तो, अगर ये आप देखोगे ना पॉइंट वाला, तो इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। आप जब भी करेंगे ना ट्रेडिंग, तो वो बड़ी क्वान्टिटी में ही आप करेंगे,
तो लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों हम सोचते हैं तो ये 20 रुपये ही आपसे लगने वाला है। फिर ये परसेंटेज तो आप शुरुआत में जब छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करेंगे 7,000 के, 8,000 के, अगर आप 10,000 का भी ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अभी अगर देखा जाए ना तो सभी में लगभग सेम है। तो आपके सामने अभी पेटीएम निकल के आता है कि पेटीएम में आपसे अगर फ्लैट लिया जाता है तो 15 रुपये पर ऑर्डर लगेगा। लेकिन दोस्तों आपकी एक चीज़ याद रखनी है कि 2022 से पहले यह लगता था 10 रुपये, लेकिन पेटीएम वालों ने क्या किया, बढ़ा दिया। अभी आगे चल के बढ़ा देंगे तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम इसको देखें तो इसमें भी लगभग सेम ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ छोटे ट्रेडर के लिए वैल्यूएबल है, बाकी के जो बड़े ट्रेडर हैं तो उनसे तो फिर ये फ्लैट ही लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों में ही पेटीएम निकल के आता है। अब क्या आपको अपना डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में ओपन कर लेना चाहिए? तो दोस्तों मेरा जवाब ये रहेगा कि पेटीएम डीमैट अकाउंट में आप अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी सर्विसेज बिल्कुल रद्दी है। लेकिन फिर भी इसकी सर्विस जो है ना, तो बाकी के अगर हम तुलना करें ठीक है इसकी जीरोधा से, तो सबसे अच्छी सर्विस जीरोधा की मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों एंजल वन है, आप स्टॉक है, तो ये मान लीजिए कि टॉप पे चल रहा है, मतलब ये पॉपुलर है। अगर कोई रिकमेंड भी करेगा ना तो सबसे पहले वो आपको जीरोधा और एंजल वन ही करता है। अब शायद आप ऐसा सोचेंगे कि जो यूट्यूबर लोग हैं ना तो उनको शायद ये कंपनी पैसा देती होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जीरोधा एक ऐसी कंपनी है जो किसी को भी कुछ नहीं देती, ठीक है। अपने प्रमोशन के लिए ये कंपनी खर्च करती नहीं है, फिर भी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसकी सर्विसेज अच्छी है। तो अब यहाँ पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखो 5 रुपये वाली बात है, अगर आप पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करना चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम दोस्तों सोचते हैं अपने लिए तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एंजल वन और जीरोधा सही है, ठीक है। इनकी कस्टमर सपोर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें सही हैं। मैं आपको पेटीएम मनी की एक वो बता दूँ डिसएडवांटेज, तो दोस्तों इसका ये है कि इस कंपनी में अभी तक मेरा अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया। उस टाइम पर मैंने सोचा कि इसका मैं वीडियो बनाऊँ तो डेमो के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा, तो मैंने अपना अकाउंट ओपन करने का ट्राई किया तो मेरा अकाउंट इसमें रिजेक्ट हो गया, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने सपोर्ट लिया तो सपोर्ट में भी उन्होंने मेरी मदद नहीं कर पाई, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें फिर मैंने सोचा कि चलो रहने ही दो, ठीक है। तो दोस्तों पेटीएम मनी में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये दो में रहेगा कि आप इनमें से किसी भी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक फीमेल हैं तो दोस्तों आपके लिए ये धन एप्लीकेशन बेस्ट निकल के आता है ट्रेडिंग करने के लिए। धन एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि फीमेल के लिए यहाँ पर 50% ब्रोकरेज चार्ज ऑफ है, मतलब कि यहाँ पर अगर 20 लग रहा है ना तो अगर फीमेल ट्रेड करती है तो उससे सिर्फ 10 रुपये लगेगा, 20 रुपये नहीं लगेगा। ये 20 रुपये लग रहा है ना फीमेल के लिए, ये सिर्फ 10 रुपये है। तो दोस्तों ये चीज़ है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों फीमेल के लिए धन एप्लीकेशन बेस्ट है और एंजल वन और ये मेल के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों इन सभी के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उनमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके और अपनी इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एम स्टॉक की, तो एम स्टॉक को मैं आपको बाद में रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। अब देखो एम स्टॉक में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा? जीरो लगेगा। और इसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो फिर कितना लगेगा? जीरो, ठीक है। अब इसमें हम अकाउंट ओपनिंग का देख लेते हैं, तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग इसमें लगेगा 999 प्लस GST लगभग 1208 रुपये, ये आपका टोटल हो जाता है। तो ये आपको वन टाइम चार्ज पे करना है एम स्टॉक के लिए, और आपका लाइफ टाइम के लिए जीरो हो जाएगा। इसके बाद आप बात आती है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की, तो ये आपसे 120 रुपये पर क्वार्टर लिया जाएगा। लेकिन ये दोस्तों क्यों है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको भी हम लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा दें तो सेम आपको इतना ही चार्ज, मतलब कि 999 प्लस GST और पे करना है, तो आपका लाइफ टाइम के लिए AMC चार्ज भी फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपके रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मिल तो फ्री रहा है लेकिन इस एप्लीकेशन की क्या है, शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैंने कुछ लास्ट वीडियो बनाए हुए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया है,
कि इसमें हमें ए प्रॉब्लम आ रही है, इसकी स्पीड कम है, इसमें ए नहीं होता, इसमें वो नहीं होता, सिर्फ नाम के फीचर हैं, सिर्फ नाम का फ्री ब्रोकरेज है, सर्विस हमें अच्छी नहीं दे रहा, ऐसा लोगों ने कमेंट किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर को इस ऐप के बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बाद अभी हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। कोटक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दोस्तों, कोटक सिक्योरिटी में दो प्लान है। पहला प्लान है यूथ प्लान। यूथ प्लान के अंदर वो लोग आएंगे जिनकी एज 30 साल से कम है, ठीक है, -30। और फिर इसके बाद है ट्रेड फ्री प्लान, तो इसमें वो लोग आएंगे जिनकी एज 30 साल से अधिक है। अब इंट्राडे में दोस्तों कितना चार्ज लगेगा? 0 लगेगा। जिनकी एज 30 साल से कम है और जिनकी एज 30 साल से अधिक है उनका भी 0 लगेगा। जिनकी एज 30 साल से कम है ऑप्शन में 0 लगेगा, और जिनकी एज 30 साल से अधिक है उनसे 20 रुपये फ्लैट लगेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों ये हमें फ्री में दे रहा है, तो ये हमसे कहाँ पर फिर निकाल रहा है? तो ये आपसे निकाल रहा है अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 299 अकाउंट ओपनिंग का देना होगा, और अगर आपकी एज 30 साल से अधिक है तो फिर आपको 99 रुपये अकाउंट ओपनिंग का देना होगा। इसको हम अकाउंट ओपनिंग भी बोल रहे हैं एक जगह पर, इसको सब्सक्रिप्शन भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि देना आपको शुरुआत में इतना है, चाहे तो आप अकाउंट ओपनिंग का समझ लो या फिर सब्सक्रिप्शन समझ लो, तो ये आपको लेना है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। इसके बाद AMC की बात करें तो AMC चार्ज आपसे 600 रुपये पर ईयर लगने वाला है कोटक सिक्योरिटी के अंदर। और दोस्तों कोटक सिक्योरिटी और ये चीज़ें आप देखिए कि कितना हमसे सस्ता, मतलब कि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ चलो हम एक बार पे कर देते हैं यार, हमें यहाँ पर फ्री ब्रोकरेज मिल रही है। लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा कि आप इनमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती हैं और ख़ुद से ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात मानते हैं या फिर जो बाकी के लोगों ने कमेंट किया है आप उनकी बात मानते हैं, तो फिर आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप शेयर मार्केट में आने वाले हैं, तो आप मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप ब्रोकरेज चार्ज पर फोकस ना करते हुए आप ब्रोकर की सर्विस पर फोकस करें कि सर्विस हमें कौन अच्छी दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप शेयर मार्केट में मान लो कि पैसा कमाने आए हैं और कभी आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और आपने एग्जिट किया, लेकिन आप एक मिनट या फिर एक सेकंड का भी फर्क पड़ जाता है शेयर मार्केट में और वो आपका ऑर्डर उस टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और फिर तुरंत से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? आपको 2000 रुपये का लॉस हो गया, सिर्फ आपने थोड़ा सा ही ब्रोकरेज चार्ज का देखा। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि आप स्पीड को देखिए, ब्रोकर की सर्विस को देखिए कि कौन आपको कस्टमर सर्विस अच्छी मिल रही है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको इस पर और राइट लगा देता हूँ कि इनमें से आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे ग्रो भी ख़राब नहीं है, आप ग्रो में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है दोस्तों ए और ए। तो इनका आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।